क्यों राजा गोलू बोलू एंड हैविंग ए लोकल हिमाचली थाली सो गाइज वी फाइनली रीच्ड हर कैफे सो दिस इज द हर कैफे उधर इधर ही होगा कहीं वो बैठा है तो गाइज ये हर कैफे यहाँ पे लोकल फूड बाय लोकल वुमेन एंड अपने सारे फ्रेंड्स भी यहीं बैठे हैं आई गेस एंड बाकी बाइक की कंडीशन देखो यार कल हम लोग इसको बरोट राजगुंदा लेके गए थे पूरी एकदम बजा रखी है ये अपना भाई नानू फुल पावर ही रहता है जब भी देखो इसको पहुंच गए तुम लोग सत्यकाल की हाल चाल सो दिस साइड बूज एंड क्रूज साइनिंग इन सो गाइस राइट नाउ वी आर एट हर कैफे एंड हैविंग ए लोकल हिमाचली थाली एंड मेट आवर फ्रेंड्स श्रीकांत भाई संकेत भाई विक्रम भाई ईशान एंड नानू फुल पावर एंड साथ में हमारे तेजू भी है जो कि सो रखी है तो अभी खाना खाते हैं हम लोग एंड फिर आपको थोड़ा टूर देता हूँ मैं इस जगह का कि कैसा खाना है और कैसे बनाते हैं ये लोग एंड दिखाता हूँ मैं आपको जब तक खाना खाते हैं। अच्छा तो चलिए गाइस आपको एक बार अंदर का टूर देते हैं कि हर कैफे अंदर खाना कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप मिलिए साशा से, बहुत ही क्यूट है ये। तो आपका नाम? मीनाक्षी जी बना रहे हैं, सिड्डू बना रहे हैं हमारे लिए। तो लोकल फूड बाय लोकल वुमेन एंड ये रहे मनीषा जी, खाना बना रहे हैं। आंटी जी खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। तो गाइस ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, किचन में बहुत सही खाना बनता है एंड अगर आप कभी भी आते हो बीर बिलिंग तो आप नियर बाय बोंगड़ू वाटरफॉल के आसपास आके आपको हर कैफ़े दिख जाएगा। अभी रिसेंटली ओपन हुआ है एंड लिटरली में बहुत अच्छा खाना है एंड बाकी का प्लान मैं आपको अपडेट करता हूँ कि न्यू ईयर का आज का दिन कैसा रहेगा। सो हे गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस हर कैफ़े। काफ़ी अच्छा खाना था एंड अभी मनीषा ने मुझे बताया कि अंदर वेज खाना बनेगा एंड नॉन वेज के लिए उन लोगों ने यहाँ पे सेटअप रखा है। तो गाइज अभी हम लोगों ने वहाँ पे तीन तरह की धाम रहती है, एक तो रहती है कांगड़ी, एक मंडियाली, एक और थी मैं नाम भूल गया उसका। एंड हम लोगों ने जो थाली ऑर्डर की थी वो थी एक्चुअली वेज एंड वेज थाली में आपको मिल जाएगा कड़ी दाल एंड छोले एंड फिर साग और एक और खजूर की सब्जी थी कोई एंड चावल वगैरह रहते हैं और मीठे चावल भी रहते हैं साथ में। एंड अगर अब आप भी आना चाहते हो तो ज़रूर आना, काफ़ी अच्छा खाना था टू बी ऑनेस्ट। एंड सिड्डू भी ट्राई कर सकते हो, सिड्डू भी एक हिमाचल की लोकल डिश है। तो एक थाली की कॉस्टिंग आपको आसपास पड़ जाएगी 350 के आसपास, तो काफ़ी सही था यार। एंड जेन्युइन बताऊँ तो 350 दो लोगों के लिए बहुत है, आप लोग एक थाली ऑर्डर करके भी खा सकते हो आराम से, कंफर्टेबली दो लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं बोंगड़ू वाटरफॉल के रास्ते से एंड ये वाला रास्ता ऊपर जाता है बिलिंग को एंड ये रास्ता जाता है नीचे बीर को। तो गाइज अभी का प्लान हमारा ये है कि नानू और मैं तो जाएंगे स्नूकर खेलने एंड फिर स्नूकर खेलने के बाद आके थोड़ा चिल करेंगे प्रॉपर्टी पे एंड बाकी व्यू आज चेक कर सकते हो आप, काफ़ी हेजी है आज व्यू एंड
इस जगह को भी सनसेट पॉइंट बोलते हैं यहाँ से, बिकॉज व्यू बहुत प्यारा आता है यार। एंड अभी बहुत क्राउड है भीर में, एंड अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं। एंड आई होप आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा होगा, तो बने रहना व्लॉग के लास्ट तक, करता रहूँगा आपको अपडेट। आ जा फिर, बंद है तो रहने दे। तो गाइज अभी हम लोग आए थे स्नूकर खेलने, बहुत दिनों बाद फ्री हो गए। और कहीं यार माफिया में ही है फिर, तो रहने दे फिर, क्या ही कर सकते हैं। आ जा फिर, और कुछ शॉर्ट करते हैं, बाइक थोड़ी ठीक करा के चलते हैं, कुछ चिल करते हैं। और हाँ तो गाइस स्नूकर तो खेलने को मिला नहीं, तो बाइक ही थोड़ी ठीक करा के वापस आए गए प्रॉपर्टी, जाके थोड़ा चिल करेंगे बॉनफायर वगैरह। सो गाइज लुक एट द सनसेट, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है यार। एंड अभी स्नूकर भी खुल ही गया है, तो स्नूकर खेलेंगे। लाइट तो ऑन कर ले। सो गाइज अभी नानू और मैं खेलने आए स्नूकर। एक्चुअली मुझे तो आता नहीं है, पर नानू भाई सिखाएंगे अपने कैसे खेला जाता है। तो भी सेटअप कर रहा है नानू। तो देखते हैं आज पूल खेल के कैसी फीलिंग आती है, मैं तो नूब हूँ इस मामले में बिल्कुल। तो हे गाइस, अभी मैं गाइस स्नूकर खेल के आया। एंड मुझे एक्चुअली आता तो नहीं था, बट नानू ने बहुत हेल्प किया सिखाने में, मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। बट एक दो मैच से ज़्यादा मैं बोर होने लग गया उसके बाद, एंड फिर मुझे छोटा मोटा काम भी आ गया, तो उसमें मैं बिज़ी हो गया। एंड अभी गाइस मैं जा रहा हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने, तो बहुत नाराज़ है आज वो मुझसे। तो अभी कुछ सामान मंगाया था उसने मुझसे, तो वो लेके जा रहा हूँ उसके लिए। एंड आपको मिलाऊंगा मैं ब्राउनी से भी, ब्राउनी बहुत ही क्यूट सा डॉग है। तो बाकी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है आज, देखते हैं। तो क्रेजी है ब्राउनी, खाने वाली नहीं। बहुत क्यूट है, इसके एक्चुअली ना पाँव में चोट लगी हुई है सी, तो मेरी फ्रेंड इसका टेक केयर कर रही है। कुछी, कुछी, कुछी। समीर, समीर, क्यों नहीं आ रहा है? बता। ओहो हो, आज तो पिज़्ज़े बनाए जा रहे हैं, हैं? गाइस बहुत नर्व। हाँ, कितनी देर तक रहेगी नाराज बता दे। वो बात तो सुन, क्यों नाराज है? गोलू बोलू। वीडियो बंद कर। वीडियो तो नहीं बंद होगी। कुंडी लगाएगी अब, पिटाई होगी क्या मेरी? सो हे गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। एंड पहला दिन था न्यू ईयर का, काफ़ी अच्छा गया। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में सारे दिन ऐसे ही अच्छे जाएं, ठीक है। एंड मेरी फ्रेंड तो देखो बहुत नाराज़ थी, एंड वो अभी भी मुझसे नाराज़ ही है। तो मैंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, बट वो मानी नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस वापस प्रॉपर्टी पे। कैफ़े में मैं बैठने का सोच रहा था, बट कुछ इतना खास माहौल लग नहीं रहा है। तो प्रॉपर्टी पे जाके अपन चिल करेंगे, एंड देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है प्रॉपर्टी पे। एंड बाकी यार मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, ठीक है। आजकल डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ,
बट एडिटिंग के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा एंड मेरा गोल है कि न्यू ईयर में एटलीस्ट एक हफ्ते में एक व्लॉग तो आप लोगों के लिए डालूं। एंड बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। एंड अभी प्लान मेरा है कुछ दिन में हम लोग आएगा कहीं घूमने जाएंगे, तो माइट भी कसौल जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे एंड बाकी तो अपडेट मैं आपको करता ही रहूँगा। एंड मिलते हैं गाइज जल्दी फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बाय एंड लव यू ऑल।